हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू रसल किंगडम। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज एंड द फिंड के बीच हेल इन सेल मैच होने वाला है, उसके बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे। और गाइस, इस वीडियो में आज बात करेंगे कि मैच कब होगा, इस मैच में कौन जीतेगा और कितना चांस इस मैच का होने का। तो गाइस, आप भी मेरे रसल फैन है तो सब्सक्राइब मार दो चैनल को। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आगे बात बोलना चाहूँगा यार, बहुत टाइम लगा वीडियो को बनाने में यार, लाइक के बिना गेम मत जाना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को आगे देखना, बहुत जरूरी अपडेट सुनने वाली इस वीडियो में। तो गाइस, बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये मैच क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद 18 अक्टूबर 2020 को होने वाला है, जो कि क्लैश हेल इन ए सेल के शो का मेन इवेंट भी हो सकता है। ये मैच हमें इंडिया में 18 अक्टूबर मंडे को 4:30 बजे से जो हेल इन ए सेल पे पर वहाँ पर से लाइव देखने को मिलेगा। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा अपने आप से कह रहा है, तो गाइस मैं आपको प्रूफ दे दूँ कि मैच क्यों हो रहा है। गाइस, अब जो WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए रोमन रेंज के लिए अच्छा अपोनेंट से ढूंढ पाई, तो उन्होंने उनके भाई जी उसको स्टोरी लाइन में डाल दिया, जो कि इतने ज़्यादा फैंस से इंटरेस्टिंग भी नहीं इस मैच के लिए। तो गाइस, सीधे से अब जो ब्रुस्टर मांगो तो डाल नहीं सकते मैच के अगेंस्ट, क्योंकि उनको दो बार चांस मिल चुका है। तो गाइस, सब हेल इन ए सेल जो PPV आएगा उसमें रोमन रेंज के लिए कोई बेटर अपोनेंट तो है नहीं, जिसको हरा देंगे आराम से। और रोमन रेंज हील है, तो गाइस हो सकता है कि हील वर्सेस हील हो सकता है। और गाइस, हेल इन ए सेल के मेन इवेंट में हेल इन ए सेल मैच देखने को मिल सकता है रोमन वर्सेस द फिंड, जो कि हम चैलेंज से बाहर गए तो सीधे से आकर रोमन को चैलेंज कर सकते हैं। इस मैच के होने का चांसेस इसलिए भी है कि क्योंकि PWI इनसाइडर्स को तो आप जानते होंगे, PWI इनसाइडर्स हमें WWE से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं। तो गाइस, PWI इनसाइडर्स ने हमें थोड़ी टाइम पहले बता दिया कि मैच हेल इन ए सेल में हमें देखने को मिल सकता है। गाइस, अगर हम अपने फाइनली जो मुद्दे पर आए तो इस मैच में कौन जीतेगा, तो गाइस मैं आपको बता दूं सीधे से, जो द फिंड यूनिवर्सल चैंपियन थे, तो रोमन रेंज ने पे बैक में TT टोनो ओल्ड्स वार्ड मैच में आकर ये चैंपियंस जीत ली थी। तो गाइस, ये तो नहीं होगा WWE पहले रोमन रेंज फिंड करवा देगी, रोमन रेंज को चैंपियन बना देगा, फिर से रोमन रेंज को करवा देगी, फिंड को चैंपियन बनवा देगी। गाइस, ये तो होगा नहीं। तो गाइस, सिंपल से अगर हम विनर की बात करें तो ये मैच हमें बहुत ब्रूटल देखने को मिलेगा, जो कि हेल इन ए सेल मैच होने वाला है। हेल इन ए सेल मैच हम जानते हैं कि फैंस कितने एक्साइटेड होते हैं और कितना मतलब कि डेंजरस मैच होता है यार, आप समझ जाओगे यार। तो गाइस, अगर मैच की बात करें तो मैच में हो सकता है कि रोमन रेंज नो डिस्क्वालिफिकेशन या सीधे से द फिंड को पिन कर दे और इस मैच में जीत जाएं। WWE रोमन रेंज वर्सेस द फिंड की स्टोरी लाइन ज़्यादा लंबी भी घसीट सकती है। हो सकता है कि हमें हेल इन ए सेल में कोई क्लियर एंडिंग नहीं देखने को मिले और फिर बाद में हमें जो अपकमिंग PPV आएंगे TLC क्राउन जोन में भी मैच देखने को मिल सकता है। तो गाइस, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में, कितनी पॉसिबिलिटी है इस मैच को होने की, और गाइस आपको आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि मैच में कौन जीतेगा, मैं आपकी थोड़ी जानना चाहता हूँ, तो यार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो गाइस, मेरी फाइनल प्रेडिक्शन रोमन रेंज होने वाली है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।